छत्तीसगढ़ियों में बहुत दम है। एक बार फिर ये साबित हो गया, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में छत्तीसगढ़ कामयाब होता दिख रहा है। राज्य में अब तक कुल 10 पॉजिटिव में से 8 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इलाज सिर्फ 2 मरीजों का ही चल रहा है और वे जल्द ही डिस्चार्ज भी कर दिए जाएंगे। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की नियत, नीति और जवाबदेही बेहद कारगर रही है। ये बातें वो भी कह रहे हैं जो मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इन्हीं में से एक युवती निष्ठा अग्रवाल से बात की है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से ठीक हुई युवती से की बातचीत। युवती ने कहा, यहाँ मिले सहयोग से बढ़ा हौसला। छत्तीसगढ़ में हो रहे कोरोना के इलाज की व्यवस्था की देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही सराहना। 10 पॉजिटिव में से 8 मरीज हुए ठीक, सिर्फ 2 का ही चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ में नहीं फैला कोरोना का संक्रमण। समय रहते लिए कड़े फैसले और मुख्यमंत्री की सतत निगरानी का असर। ये तस्वीर उस युवती की है जो बीते दिनों ठीक होकर अपने घर लौटी है। जब निष्ठा अपने घर लौटी तो उनका लोगों ने तालियां और थालियां बजाकर स्वागत किया। एकदम ठीक होके, एकदम स्वस्थ होके गुड़ी। लोग बेहद भावुक हो गए। उसी निष्ठा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। युवती ने बताया कि वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। घर में गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन का पालन कर रही हैं। निष्ठा ने मुख्यमंत्री से कहा कि यहाँ की मेडिकल टीम और राज्य शासन से भरपूर सहयोग मिला, इससे उनका और उनके परिवार का हौसला बढ़ा है। कैसी हैं? सर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। अच्छा। परिवार के साथ हूँ जी सर। अच्छा, क्या अनुभव रहा हॉस्पिटल का? सर मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा सर। मैं खुद इतनी आश्चर्यचकित थी सर, जो हमारी यहाँ फैसिलिटीज है सर रायपुर की सर बहुत ही बढ़िया। हमारी मेडिकल टीम सर इतनी कॉम्पिटेंट और सारे डॉक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे, सबका इतना सहयोग रहा सर। और मैं खुद अपने दोस्तों में मैं देखती हूँ, जब मेरे कितने कई दोस्त आए सर अलग अलग राज्यों से, लंदन से सर, सबसे पहले मैं ठीक होके और सब आश्चर्यचकित है सर कि इतनी हमारी टीम कैसे ये एकदम मुश्किल काम को ऐसे इतने अच्छे से कर रही है। पूरे विश्व में सर हमारे छत्तीसगढ़ का डंका बज रहा है सर। क्या बात है। युवती ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके 3 दोस्त कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन वह सबसे पहले ठीक हुई हैं। 3 दोस्तों में 1 चंडीगढ़ और 1 बंगाल में एडमिट हुए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 10 में से 8 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 80 है। राज्य में कोरोना मरीजों की देखभाल बेहतर ढंग से हो रही है, इससे देश ही नहीं पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। युवती ने कहा कि मुख्यमंत्री से लगातार मिले सहयोग से पूरे परिवार की हिम्मत बढ़ी है। इसके लिए निष्ठा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। युवती ने कहा कि आपसे बातचीत कर मेरा हौसला बढ़ गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बातचीत के दौरान उम्मीद जताई कि कोरोना से संक्रमित 2 मरीज भी जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे। कितने आपके फ्रेंड हैं जो ये कोरोना पॉजिटिव मिला? सर 2, एक चंडीगढ़ में थे और एक बंगाल में। 2 और थे? हाँ जी। तो वो भी हॉस्पिटल में हैं? जी सर, एक डिस्चार्ज हो गए और एक हैं अभी। चलिए जल्द स्वस्थ रहिए। अभी भी क्वारंटाइन में हैं? जी सर, घर पे ही हूँ क्वारंटाइन में। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। आपने जिस तरीके से शासन प्रशासन सर सबने आपने बहुत सहयोग किया था, मेरे पूरे परिवार का, मेरा सर, आप लोग के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। नहीं, सबके सहयोग से हुआ। सब लोगों ने अच्छा काम किया है, पूरे प्रदेश के लोगों ने इसमें मदद कर रहे हैं, सारे शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं सर। वो तो है सर, और उसका रिजल्ट आज हम देख ही रहे हैं सर। हमारा मोर देन 50% हमारा रिकवरी रेट है सर। 9 में से हमने कितने पेशेंट्स के कर लिए, 6-7 ठीक हो गए सर। हाँ, 10 में से 7 सर। 70% का हमारा रिकवरी रेट है। हाँ, ये भी कोई स्टेट में नहीं है सर, कोई विश्व में, कोई और दूसरे स्टेट में, कहीं राज्य में, कहीं नहीं है इतना बड़ा रिकवरी रेट, इतना अच्छा। सर ने कहा ये तीनों भी स्वस्थ होकर निकलेंगे जी सर। काफी गर्व होता है मुझे आज अपने आप को छत्तीसगढ़ की बेटी कह के सर। क्या बात है, क्या बात। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने में बेहतरीन काम किया है।
कह सकते हैं कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियों के विश्वास पर बेहद खरे उतरे हैं। यह बातें जब आप स्वयं से भी पूछेंगे तो कहेंगे हाँ ये सच है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर दूसरे राज्यों की तरह न डर है न खौफ है और न ही कोई चिंताजनक बात। यही है प्रदेशवासियों का मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास और प्रदेशवासियों से ही है भूपेश बघेल का आत्मबल आत्मविश्वास। वैभव शिव पांडे स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और बात गिरेवन की करेंगे।